वहाँ वाले मुझे फोन करते हैं, मैम लॉयल्टी आज 15 तारीख है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, इकट्ठे करेंगे, मतलब जो शैलू दिहाना में है मेरा नेटवर्क, जाते हैं शॉपिंग करने। यहाँ पे मैं जिनको रोज रूटीन में मिलके भी टच कर देती हूँ ना, वो भैया मिलते ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे कभी भी लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, तो फिर लगता है कि वो भी तो कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब पहले तो सरकार में जो आप वो जो चीज़ें हैं साथ के साथ कुछ जवाब दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, तो अगर आपको ऐसा बोलेगा तो क्या करना चाहिए? कंपैरिजन करना चाहिए, हमें सेविंग बताना चाहिए उसको। सेविंग बताने के बाद क्या हो जाता है, देख भाई 100 रुपये की चीज़ खरीदेगा तो मोदी के से कितने की पड़ रही है तुम्हें, 45 या 50 रुपये की, तब नहीं बोलेगा। आपने उसको बैठ के समझाया नहीं है, कंपैरिजन कराया नहीं है, इसलिए वो ये क्वेश्चन है। लेकिन अब वो ये बोल रहा है कि मेरी जरूरत अगर 2000 की है, 1500 की है, मैं इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 2500 का ही है, तो अगर क्राइटेरिया है कि 2500 का लोग तभी हो, तो फिर हमने कहा कि बेसिक नीड अगर सारी चीज़ें आप यहाँ से तो 2500 के आसपास तो आपका आ ही जाएगा। देखो अब क्या होता है, कई बार हम अपनी सोच को दूसरे वाले पे थोप रहे हैं, ठीक है। पहले दिन मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि 2500-3000 का तो नहीं होगा, मैं बैचलर हूँ, अकेला रहता हूँ, नहीं होगा। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान ना स्टॉक में कटा है, क्योंकि मैं रिटेलिंग तो करती नहीं हूँ ना, मैं कभी किसी को ये कहती हूँ कि ये ले लो, हाँ अच्छा है, उसकी यूजेज बताती हूँ, डेमोज भी दिखा देती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सामान इकट्ठा हो गया। तो उसको भी पहले दिन ही उसका मेंटेलिटी हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपके घर पे मान लेता हूँ 1000 या 1500 रुपये का सामान है, ठीक है, तो आपको बचे हुए 1000 का क्या करना है, कस्टमर का शेयरिंग करनी है। हम शेयरिंग के बिजनेस में है तो शेयरिंग तो करनी है। शेयरिंग आपको दो बेनिफिट देगी, एक तो आपको MRP और DP का डिफरेंस उसी टाइम पे अर्न कर लोगे, दूसरा जो आज आपका कस्टमर बन रहा है वही कल को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। यहाँ जितनी भी सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना आप, उसमें से मैक्सिमम सक्सेस स्टोरी ऐसी ही मिलेंगी कि हमने पहले दिन सिर्फ प्रोडक्ट लिया था, वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने प्रोडक्ट ने ये सोल्व किया, ये किया, वो किया, तो हम इस बिजनेस में आगे कि लोगों का भलाई के बिजनेस में, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप साबुन तेल बेचोगे, देखो दो पेटियां रख देता हूँ, एक ये पेटी है, एक ये पेटी है, इसमें साबुन तेल भरा हुआ है, इस पेटी में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भरा हुआ है, ठीक है, पेटियां सेम है, बट बीवी कहाँ से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जब अवेयरनेस दोगे ना तो लोगों को कम पड़ जाएगा वो 2500 रुपये, फिर लोगों 2500 से 5000 में कन्वर्ट जाते हैं। देखो कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ेगा, ये एक्सक्यूज लेके बैठे रहेंगे तो बैठे रह जाएंगे। कल मैंने एक मैसेज डाला आज रात को अपने ग्रुप में, क्योंकि जब तक जो काम आप नहीं करोगे ना किसी को रेफर नहीं कर पाओगे। आपने खुद 1000 का कस्टमर नहीं बनाया होगा ना तो कितनी बातें कर लेना वो आपके यहाँ पड़ रहा है कि खुद झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने कल रात को शॉपिंग करी है, कितने रुपए की शॉपिंग है, ठीक है। अच्छा मैं लास्ट डे तो लॉयल्टी कंप्लीट अपनी तो नहीं करी होगी, बट ये मेरे ही नाम से है, अजय मलिक, ठीक है। पहले दिन मैंने अपनी लॉयल्टी कंप्लीट कर ली थी, महीना स्टार्ट हुआ, ये मेरा क्या है, रिटेल कस्टमर है, ये मैंने कस्टमर बनाया, कस्टमर के लिए 12000 इतने की शॉपिंग करी, तो मैं कर रहा हूँ 12000 की, तो 1000 की तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 1000 की शॉपिंग कराने के लिए बिलीव मी सिर्फ लोगों से बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या सोचेंगे,
कि सर क्या सोचेंगे क्या करेंगे क्या सोचेंगे। अच्छा एक यही पे ना लाइक कुछ लोगों से जैसे मैं बात करती हूँ लोकल सर्कल वाला, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या बेनिफिट है, तो मैं उन्हें फिर वो भी समझाती हूँ कि मैं तो इस बिज़नेस में हूँ। पहले तो मैं हेजिटेट करती थी, मैं कहती हूँ मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, तो मैं इसे कंपनसेट कर रही हूँ, तो आई हैव टू रीच दैट लेवल एटलीस्ट पहले। तो वो कहते हैं कि तुम तो काम कर रही हो ना, तुम्हें तो बेनिफिट है, हमने क्या, मैं तो वहाँ से लेती हूँ, मैं वहाँ से लेती हूँ। तो उसका आंसर वाकई में मैं नहीं ले पा रही हूँ अच्छे से कि तुम तो काम कर रही हो, तुम तो काम कर रही हो, बिल्कुल यही बोलेगा सामने वाला बंदा, आप को तो काम कर रहे हो, या वो सोचेगा इनको जो फायदा है तभी है। देखो तो तभी हम जब कस्टमर से मिल रहे हैं ना, पहले उसके फायदे की बात कर रहे हैं, अपने फायदे की बात नहीं कर रही हूँ, उसके फायदे की। आपको क्या फायदा होगा, आपको एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहा है, डेमो वेमो दिखा दे कायदे प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी हेल्थ रहेगी, ठीक है। अगर हेल्थ आपकी नहीं है और पैसे आपको दे दिए जाए तो क्या करोगे, हेल्थ तो फर्स्ट होनी चाहिए ना इंसान के पास। मैं आप में से सब लोगों से पूछता हूँ, आप मैं आप लोगों को 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, बट आपकी दोनों आँखें लूँगा बदले में, तो कौन सा लेगा 2 करोड़ रुपए?